नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी में। आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। शिरोमणि अकाली दल यानी SAT के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 14 दिसंबर को 2015 के बेअदबी मामले पर सिखों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से और बिना शर्त खालसा पंथ से माफी मांगता हूं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का जघन्य कृत्य अकाली सरकार के दौरान हुआ था। मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूं और हम अपने शेष कार्यकाल के दौरान दोषियों को पकड़ नहीं सके और उन्हें दंडित नहीं कर सके। 2015 में बुर्ज जवाहर सिंह वाला में एक गुरुद्वारे के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी के बाद जून से अक्टूबर के बीच बेअदबी की घटनाएं हुई। फरीदकोट और बरगारी फरीदकोट में पवित्र पुस्तकें की फटे पन्ने खोजे गए। इस घटनाओं से सिख समुदाय के सदस्यों में व्यापक असंतोष और आक्रोश फैल गया और जगह जगह प्रदर्शन हुए। इसी तरह के एक प्रदर्शन 14 अक्टूबर को भी हो रहा था। बरगारी के पास एक गांव बहिबल कला, जहां प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची पुलिस ने फायरिंग कर दी और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस पे क्या कुछ कह रहे हैं सुखबीर सिंह बादल, आइए जानते हैं। आज आपां सारे इकट्ठे हुए हैं। मैं एज श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने के नाते, मुख सेवादार होने के नाते, आप सारे गुरु महाराज के हजूरी आप विराजमान है। श्री अकाल तख्त साहब के सन्मुख होके सिर झुका के मैं गुरु महाराज तो माफ़ी मंगना चाहना है कि साड़ी सरकार के दौरान जे किसी का भी सरकार या सरकार तो बगैर भी किसी का दुख दिखाया होए असी माफ़ी चाहते हैं। जे किसी का जे साढ़े राज विच बेअदबियां हुई, क्योंकि आम संगत दे विच मंच है कि पंथक सरकार सी। हाँ, पंथक सरकार सी, पर किवें होया जदों तक असी पता कर लगे तो सातों प्रेशर पा के कर दिता सानू। वो माफ़ी कि असी ने दोषी फड़ सके, पर असी वादा करते हैं कि असी जेडे असली दोषी है उन्होंने जेलों चवावे, तो नाले जिन्होंने सियासत की है उन्होंने भी शक्ल भी कौम के सामने पेश करा जिन्होंने सियासत की है। मैं सताप प्रकाश सिंह जी बादल तरफों भी, क्योंकि उन्होंने क्योंकि अज अपने विच नहीं रहे, एज मुख सेवादार तरफों ते समुची पार्टी दी लीडरशिप तरफों ते समुची पार्टी दे वर्कर, क्योंकि पार्टी दे वर्कर भी अपनी पार्टी दी एक जान हुंदे है। असी परमात्मा दे सामने अरदास बेनती करिए अज कि परमात्मा जाने अनजाने साथों कोई भुल हुई होए असी सिर झुका के माफ़ी मंगते हैं। असी जो गुरु साहबान के दसे हुए रस्ते सिद्धांतों के, जिमें जिमें सिद्धांत है अमन शांति भाईचारे किसान का सरबत दे भले का पंजाब नूं तरक्की लैंदे, उस सिद्धांतों के साढ़े सिर पर हाथ रखन सारे समुची वर्करां ते साड़ी जथेबंदी ते कि असी पंजाब नूं फिर तो वापस ओलियां ते लेके आईए।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਐਜਾ ਸੀਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਖਬਰੋਂ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ। ਨਮਸਕਾਰ।